नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आज आपको बताऊंगा टाइम और वर्ड से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनका ट्रिकी सॉल्यूशन कि किस तरह से आप उसको बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिक इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब अगर केवल एक काम करेगा तो उसे 20 डेज में कम्प्लीट कर सकता है। लेकिन फिर क्या आगे कंडीशन दी हुई है कि ए ही वर्क एट इट फॉर 5 डेज, मतलब वह पहले 5 दिन में एक काम करता है एंड देन बी फिनिश इट इन 10 more days, मतलब क्या 5 दिन तक एक काम करता है फिर उसके बाद ए काम छोड़ देता है। फिर क्या बी काम करता है, जो काम बचा हुआ है उसको बी करता है, लेकिन बी को वो काम जो बचा हुआ है उसको 10 days में काम कर पाता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टूगेदर फिनिश द वर्क, मतलब कि कितने दिन लगेंगे अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें। तो हमको ये पता करना है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और बी के बारे में उसने नहीं दिया है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो हम मान लेते हैं कि बी किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर लेता है, हमको नहीं पता तो इसलिए हमने एक्स मान लिया कि एक्स डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों अगर मिल जाए, अगर दोनों को मिला दें तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये क्या है, हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या निकालना है, आपको एलसीएम लेना है, जो नंबर दिया है उसको एलसीएम निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ट्रिक आपको पहले जो अपना मेरे टाइम और वर्क पार्ट 1 पार्ट 2 है उसमें मैंने इसका पूरा जिक्र किया वहां पर। तो आप यहाँ निकाल सकते हैं टोटल वर्क, तो हमें क्या निकालना है एलसीएम देना है, और दूसरा क्या है पर यूनिट पर डे वर्क निकालना है कि पर डे कितना यूनिट वर्क करते हैं वो लोग। ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम का मतलब जो नंबर हमारे दिए होते हैं कि ये नहीं किसी काम को 20 डेज में किया, बी ने उसने 30 डेज में किया, तो हमको क्या उनका एलसीएम लेके निकालना है। तो एलसीएम हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलसीएम रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क, कि जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क है, हमको उतना वर्क करना है। ठीक है, और बी क्या अभी यहाँ पर दिया हुआ, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा 20, और एक्स का एलसीएम क्या होगा 20 होगा इंटू एक्स। हमें क्या निकालना, ये निकाला है दूसरा निकालना पर डे वर्क, मतलब एक दिन में कितना काम करता है। हम क्या करेंगे 20 के इसमें डिवाइड करेंगे, तो हमारे क्या होगा टोटल वर्क, यहाँ पर क्या होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल वर्क कितना दिया हुआ है 20 इंटू एक्स दिया हुआ अपॉन टोटल टाइम क्या 20 डेज, तो 20 हो गया। तो हमारे क्या होगा एक्स आ गया, मतलब कि ये एक दिन में एक्स यूनिट पर डे काम करता है, कि एक दिन में एक्स यूनिट काम करता है। सेम यहाँ पर निकालेंगे बी के लिए, तो बी के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है सेम है दोनों के लिए, तो 20x अपन टोटल टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अपन टोटल वर्क अपन टोटल टाइम, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया हुआ है x, तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 20 आ गया यूनिट पर डे, मतलब कि ये 20 यूनिट पर डे करता है। ठीक है, तो हम अगर दोनों मिल जाएं तो वो क्या एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये x यूनिट पर डे करता है, ये 20 यूनिट पर डे करता है, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 20+x यूनिट पर डे, मतलब कि अगर दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 20+x यूनिट पर डे कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें यही पूछा हुआ है कि हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, तो हमें डे निकालना है कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। तो उसमें क्या टोटल यूनिट हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे टोटल यूनिट अपॉन टोटल यूनिट पर डे, कि मतलब जब दो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपॉन एक दिन में कितना काम करते हैं। तो अगर एक दिन में जितना काम करते होंगे अगर हम टोटल यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या निकालेंगे नंबर ऑफ डेज निकल आएगा। तो टोटल यूनिट कितना है 20x हो गया, 20x अपॉन टोटल यूनिट ऑफ डे, तो क्या होगा 20+x हो गया, ये हो गया 20+x, तो ये हो गया हमारा इतने दिन लगेंगे इतने डेज, मतलब अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो हमारे कितना दिन लगेंगे 20x अपॉन 20+x इतना दिन लगेंगे। लेकिन हमको क्या है एक्स की वैल्यू पता करनी है, लेकिन हमारा एक्स क्या होता है कि बी किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा कि ए दोनों का डे कितना है 20x अपॉन 20+x, हमारे क्या फाइनल आंसर आ गया, लेकिन हमको एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ और देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि ही वर्क्स एट इट फॉर 5 डेज, मतलब जो ए है ए शुरुआत के 5 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो ए का हमने देखा कि ये क्या है एक दिन में एक्स यूनिट करता है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स यूनिट पर डे। अगर हम ए के बारे में बात करें, ए के बारे में, तो ए क्या है ए एक्स यूनिट पर डे करता है, एक्स यूनिट पर डे मतलब एक दिन में एक्स यूनिट करता है। तो अगर हम 5 दिन की बात करें, 5 डे की बात करें,
तो कितना करेगा, ये करेगा 5x यूनिट, 5x यूनिट कर लेगा, ठीक है, 5x यूनिट काम उसने 5 दिन में काम कंप्लीट कर लिया 5x यूनिट। तो हमारा टोटल वर्क कितना था, 20x था, उसने 5x कंप्लीट कर लिया फर्स्ट 5 दिन में, ठीक है। तो हमारा कितना रिमेनिंग टाइम कितना बचा, तो हमारा हो गया रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया हमारा 20x, ये दिया हुआ था 20x, लेकिन उसने क्या 5x को ये कंप्लीट कर लिया, तो ये 5x हो गया, तो कितना हो जाएगा 15x। हमारा अभी टाइम कितना बचा हुआ, 15x टाइम हमारा इतना बड़ा बचा हुआ, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, और ये ट्रिक का यूज हम कर चुके हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए मिटा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा 15x वर्क बचा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, देन बी फिनिश इट इन 10 मोर डेज, मतलब जो बचा हुआ काम है, मतलब 50x डेज काम बचा हुआ है 50x, उसको वो क्या 10 डेज में काम कर पाता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि बी के बारे में देखते हैं, तो बी क्या होगा, बी का ये है एक्स डेज में काम कंप्लीट कर पाता है, और ये क्या 20 यूनिट पर डे करता है, एक दिन में 20 यूनिट करता है। तो हमारा इसका निकालना है कि ये टोटल डेज दिया हुआ 10 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका भी टोटल डेज निकालना है कि ये टोटल डेज इक्वल टू क्या होगा, इधर पे हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन, टोटल वर्क मतलब यूनिट में आएगा, अपॉन में क्या होगा यूनिट पर डे कितना करता है। तो टोटल वर्क कितना हमारा 15x है, यहाँ पर लिख देंगे हम 15x, और यूनिट पर डे कितना है इसका 20 यूनिट पर डे करता है, 20 हो गया, और टोटल डेज कितना है, ये 10 डेज में काम कंप्लीट कर पाता है, तो 10 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 15 5 20, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 40/3, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 40/3। तो हमारा टोटल डेज हमको फाइनल आंसर ये निकालना था, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 20 × x, x की वैल्यू क्या 40/3, अपॉन में क्या है 20+x, तो हो गया 20+x की वैल्यू क्या 40/3, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो गया, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3, तो ये क्या होगा 3 से 3 का आंसर 1000, तो ये क्या होगा 8, तो ये आ गया 8 डेज में, मतलब कि क्या है कि जब दोनों काम मिलकर काम करेंगे तो वो 8 डेज में 8 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ 8 डेज, तो 8 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक लगाया होगा फिर भी इतना टाइम लग गया, एक्चुअली मैंने आपको बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन अगर आपको ट्रिक एक दो बार यूज करेंगे इसका, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको निकाल सकते हैं कि ऑप्शन तुरंत ले लिया तो यूनिट पर डे का तुरंत निकाल लेंगे, और इस तरह से आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिगार्डिंग। हेलो दोस्तों, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर टाइम और वर्क से रिगार्डिंग, शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, मतलब शशि किसी काम को 25 डेज में कम्प्लीट कर लेता है, एंड ऋषि कैन डू इन 20 डेज, और ऋषि उसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है। तो दे वर्क 4-5 डेज, मतलब वो 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, एंड देन शशि गोज अवे, शशि चला जाता है, इन हाउ मेनी मोर डेज विल ऋषि फिनिश द वर्क, मतलब कि जो बचा हुआ काम है, पहले दोनों साथ में काम किया, फिर क्या हो गया कि शशि चला गया, फिर हमारा बचा क्या ऋषि बचा, तो वो जो बचा हुआ काम है तो उसको ऋषि कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, पहले क्या सेम हमको ट्रिक लगानी है, ठीक है, सेम हमको जो ट्रिक लिखा हुआ हमारा पहले कि हमको पहले एलसीएम लेना है, और दूसरा क्या निकालना है यूनिट पर डे निकालना है, ठीक है, यूनिट पर डे निकालना है कि एक यूनिट एक दिन में वो कितना यूनिट काम करते हैं, ठीक है, यूनिट पर डे मतलब कि एक दिन में वो है कितना काम करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं शशि कैन डू, शशि को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से फॉर सिंपलिसिटी के लिए, और ऋषि को हम सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शशि है वो किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और एंड ऋषि कैन डू इन 20 डेज, जो हमारा ऋषि है वो उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमको सिंपली क्या करना है, इतना हो गया, अब सिंपली क्या सॉल्व करना है एलसीएम, तो हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है, वो एलसीएम हमारा क्या टोटल वर्क होगा। तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसके एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 आएगा। तो हम निकालते हैं बाय द पब्लिस की यूनिट पर डे, एक दिन में वो कितना काम करते हैं, हमारा जो शशि है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो यूनिट पर डे निकालने के लिए टोटल यूनिट, क्योंकि ये क्या होगा 100 यूनिट हमारा वर्क हो गया, तो टोटल यूनिट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल यूनिट कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है, अपॉन टोटल टाइम कितना दिया हुआ है
25 डेज दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 4, मतलब 4 यूनिट पर डे करता है ये। इस तरह से हम ऋषि का निकालेंगे, तो ऋषि का क्या होगा, टोटल यूनिट सेम है तो 100 हो जाएगा अपन 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, मतलब ये कितना करता है 5 यूनिट पर डे करता है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा याद रखते हैं कि ये 4 यूनिट पर डे करता है, ये 5 यूनिट पर डे करता है, और हमारा टोटल वर्क कितना 100 यूनिट है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि दे वर्क फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं, तो हम निकाल लेते हैं कि 5 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, टोटल काम कितना 100 यूनिट है, अब 5 दिन में मिलकर कितना काम उन्होंने कर लिया। तो यहां पर देखते हैं कितने शशि ने 4 यूनिट पर डे करता है, मतलब एक दिन में 4 यूनिट, एक दिन में काम करता है वो 4 यूनिट, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 5 × 4 यूनिट। तो हम निकालते हैं, इसका निकाल लेते हैं, आप लोगों को ये ट्रिक आपने याद लिख ली होगी मैंने, तो अब यहाँ यहीं से निकाल लेते हैं कि अब 5 दिन में निकालना है, तो क्या करेंगे हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 यूनिट इसने काम कंप्लीट कर लिया, इसने शशि ने 5 दिन में 20 यूनिट काम किया, ठीक है, जबकि रवि जो ऋषि है जो हमारा 5 यूनिट पर डे करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो कितना होगा 25 यूनिट काम हो गया। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा 45 यूनिट काम हो गया, मतलब कि दोनों ने मिलकर 5 दिन में 45 यूनिट कंप्लीट कर दिया। तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क या प्रयोग कह लीजिए कि यूनिट है, वो कितना हो गया 100, टोटल 100 था, अब कितना हो जाएगा 45 हम माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा हमारा 55 यूनिट वर्क हमारा बचा हुआ है अभी। तो हम क्वेश्चन को फिर आगे पढ़ते हैं, देन शशि गोज अवे इन हाउ मेनी मोर डेज विल ऋषि फिनिश द वर्क, मतलब ओनली ऋषि बचा हुआ, ऋषि 55 यूनिट को कितने दिन में करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऋषि है वो एक दिन में 5 यूनिट करता है, एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 55 यूनिट को कितने दिन में करेगा, सिंपली हमें क्या करना है इसमें डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना हमको, नंबर ऑफ डेज निकालोगे तो क्या होगा यहाँ पर टोटल यूनिट, तो 55 यूनिट हमारा बचा हुआ है, और एक दिन में तो मतलब इतना यूनिट काम करना है, और हम डिवाइड कर देंगे कि एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो हमारे टोटल नंबर डेज निकल आएंगे, तो यहाँ 5 से हमने डिवाइड किया क्योंकि 5 यूनिट पर डे, एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 55 यूनिट को कितने दिन में करेगा, तो डिवाइड कर दिया तो 11 डेज आ गया, मतलब कि जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारा डेज ऋषि फिनिश द वर्क, तो ऋषि उसको 11 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि 10 डेज है, 12 डेज है, या 14 डेज है, या नन कोई नहीं, तो हमारे क्या है 11 11 इसमें से किसी में ऑप्शन नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, नन मतलब वो है कि 11 दिन में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं